नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसएससी क्लास। तो आपका हिंदी का पेपर हो चुका है। हाँ, काफ़ी लेट पेपर लेके आ रहा हूँ क्योंकि आपका 12 तारीख को एसएसटी का पेपर जो है वो 99% कैंसिल हो चुका है। जो जर्स होते हैं ना, 2-1%, 90.01% वही हो सकता है, कभी भी हो सकता है आपका। लेकिन फाइनल पेपर होने के चांस अभी भी हैं, आप पढ़ाई पर फोकस करते रहिए, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और चलिए इस पे स्टार्ट करते हैं मिड टर्म, जो मॉर्निंग शिफ्ट का और इवनिंग शिफ्ट दोनों पेपर है मेरे पास। 9 अप्रैल 2021 को जब 1 अप्रैल को मैथ का पेपर हुआ तभी से आपको मौज हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट, फिर इवनिंग शिफ्ट। चलिए, तो गद्य खंड इनका इस प्रकार से आया था, ठीक है। क ख ग और घ, घ से गाड़ी। तो चलिए खंड को कुछ तो आपने ये इस वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में कैसा कैसा पेपर आया था, ठीक है, इस प्रकार से। और खंड ग इतनी जल्दी आ गया, एक ही दिया, चलो कोई नहीं। खंड ख में व्यवहारिक व्याकरण है आपका, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। दुरुपयोग, बिकाऊ, ठीक है, इसमें उपसर्ग बताना था, इसमें प्रत्यय बताना है आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 बड़ी जल्दी आ गया। चौराहा, नीलकंठ, इसमें क्या बताना है, समास विग्रह करना था। माता पिता, महात्मा, अब अगर महात्मा को जहाँ तक छोड़ दो, ये तीनों आपके चारों तीनों वर्कशीट में थे और ये वाले भी उपसर्ग, बस बिकाऊ वर्ड नहीं आया था। आप क्या पढ़ रहे हैं, अर्थात वाक्य की पहचान कीजिए। वाची वाह, वाक्य की पहचान 1, 2, 3, 4, अभी चार चार दे दिए, पिछली बार दो दो देते थे, कोई बात नहीं। काली लहर, कल्पना काली, मेरी काली, कोठरी काली, अलंकार की पहचान कीजिए, ये आपका याद है किसमें से है, कैदी और कोकिला। और इसमें ध्यान से देखोगे ख ख ख ख ख ख ख ख की आपृत्ति हो रही है, तो बता सकते हैं कनक कनक के ते सौगुने मादकता अधिकार, ये भी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और आपने क्या पाया, आपने ये कोरोना काल में आपका एसएसटी का पेपर कैंसिल हो गया, यही पाया आपने, और क्या पाया। अलंकार की पहचान कीजिए, उपमा तथा अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। खंड ग पे आ जाते हैं बड़ी जल्दी, अरे एक ही पेज पे शुरू और इधर खत्म हो जाता है। पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पुस्तक, अच्छा जी, निम्नलिखित पात्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए, तो इधर आके पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा देखो जी, ये यहाँ से कुछ आपको कुछ खंड टाइप का दिया गया है, गद्यांश टाइप का, इसे पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। तो ये अच्छे से, ये तो आप दे भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको पढ़ना है तो। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं, निम्नलिखित में से 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा जी, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, एक फालतू देके एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर, कोई बात नहीं, एहसान ले लेते हैं इनका। तो काजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, दो बैलों की कथा पाठ में लेखक ने गधे के बारे में क्या कहा, तिब्बत में हथियार का कानून नहीं होने के कारण किस प्रकार का भय बना रहता था, किस घटना को सालिम अली के जीवन की दिशा बदल दी, लहासा की ओर पाठ के आधार पर तिब्बत के सामाजिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। अभी दूसरे पेपर से जब कंपेयर करेंगे तब मजा आएगा किसका पेपर ईजी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। ध्यानपूर्वक पढ़िए। मोर प्रकाशित ऊपर राखियो, गुंज की माल घरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लै लुटकी बन गोवर्धन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव वो ही मेरी रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अर्धरा धरी अधरा धर अधरा न धरोंगी। इस प्रकार से आपका काव्यांश पढ़ लेते हैं। इसके 1, 2, 3 आपके प्रश्न हैं। गोपियां सखियों से कहने पर स्वांग करने के लिए क्या क्या कर सकती हैं, वर्कशीट सही लिया गया है, अरे वाह जी वाह, मौज कर दी अब की बार। तो प्रश्न नंबर 10 की तरफ आते हैं, निम्नलिखित में के लिए 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 5 देके एहसान किया है और उसमें से 4 करना है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय, कवि ने सच्चा संत किसे कहा है, रस खान का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे का क्या कारण रहा है। अब वे वहीं बसना चाहते, चाहे वो उनको चाहे पत्थर बनना पड़े, कुछ भी बनना, वहीं कृष्ण के यहाँ किसी भी प्रकार से रहना चाहते हैं। एक लुटकी और कमरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं, हथकड़ी को गहना क्यों कहा गया है, कैदी और कोखिला। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ऑप्शन कितने दे रखे हैं, 3। अबे एक एहसान के तौर पर दिया जा रहा है, मेरे संघ की औरतें और आपके संघ की औरतें पाठ के लेखिका में नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही है, क्या आपके ये वर्कशीट से आया हुआ है, ये आप बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अरे मधु ने कितना मारा था उसके शंकर प्रसाद को ही धो दिया था ना, जो गर्ल्स हॉस्टल सामने पकड़ा गया था, नौकरानी की मुँह छुपा के भागा था, अरे बहुत अच्छी बात थी। रेड की हड्डी सार्थकता आप लिख सकते हैं, रेड की हड्डी मैं तो बस हिंट दिला दूँ, उसी कहानी का एक हिस्सा, एकांकी पर आधार पर रामस्वरूप चरित्रिक विशेषताएं बताइए, काफ़ी अच्छा उनका पिता
ताकि वो चाहता था किसी तरह से शादी हो जाए बच्ची की, ठीक है। तो खंड घ, घ से घड़ी, रचनात्मक व्यवहारिक लेखन, और ये वाला था आपका कहाँ गया, यही था यार। प्रश्न नंबर 12, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। मेरे प्रिय खेल मोबाइल फोन, कोरोना काल में शिक्षा, वाजिबा, कोरोना काल में शिक्षा, कोरोना काल का अभिप्राय, शिक्षा की स्थिति, पठन पाठन की समस्या और समाधान। क्या आपने इसमें माय सीबीएसई क्लास के बारे में लिखा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें से आपने कौन सा लिखा। अगर मैं पिछली बार अगर की बात करूँ ना, देखो पिछले साल का पेपर है, मैं सारा मैच नहीं करूँगा लेकिन ये मेरे को हल्का हल्का से याद आ गया था। जीवन में खेलों का महत्व, देखो इसमें 200-250 शब्दों में था, आपकी बार कहाँ चला गया, 80 से 100 शब्दों में है, ठीक है। तो एक तो मैच हुआ था, बाकी तो समझ सकते यार सारा कैसे मैच हो सकता है। आखिर में मेरे संग की औरत पाठ के तार में माँ का सर, ठीक है, ये था लिखिका था रीढ़ की हड्डी, देखो देश समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें तो मिली गई थी, बाकी तो आप तो समझदार तो हो ही, अंदाजा तो मिल ही गया था, बाकी आगे पढ़ते। तो आपने इसमें से कौन सा लिया था कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब तो आ ही नहीं रही, स्वच्छता का महत्व समझते हुए एक छोटे भाई को पत्र, वैसे पिछली बार किसको पत्र लिखा था, ठीक है, बस वही है, पिछली बार वही है, समय का महत्व समझते हुए मित्र को पत्र, अब की बार भाई को पत्र, अपने आसपास जल भराव की समस्या को शिकायत करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र को संपादक, ठीक है। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये रे देखो, ये रे 2019-20 का टिकट, ये देखो, हम अपने आसपास जल भराव की समस्या की शिकायत करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र, सेम टू सेम पांच नंबर। अब बॉयज वाले में देखेंगे, मतलब इवनिंग वाले में सेम टू सेम आया था, दूसरा आया था भाई। प्रश्न नंबर 14 तरफ चलते हैं, दो मित्रों के लिए विद्यालय में मिल रही सुविधाओं को लेकर संवाद, संवाद पिछले साल कौन संवाद था, दो छात्रों को बीच परीक्षा को लेकर चल रही संवाद लिखी। अरे वाजी वाजी वाह, मौज कर दी आपने तो, मीटर 2019-20, ठीक है। और ये देख लो, ये आपका है 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का, और ये तो ये ठीक है। तो कहने मतलब देखो कुछ चीज़ें मिल गई, दो छात्रों के बीच विद्यालय मिल रही सुविधाओं को लेकर था, लेकिन है लेकिन परीक्षा को लेकर था, सेम टू सेम नहीं कह सकते लेकिन फिर भी आपको एक अंदाजा था। हाँ, बिजली आपूर्ति की शिकायत करते हुए अधिकारी से संवाद, अच्छा तो अधिकारी से बात करेंगे जैसे आप कस्टमर केयर बनते हैं। अब ये देखो, आपकी बार ये नया था, मैंने पिछली बार भी कहा था लघु खाता नहीं है, आपकी बार ये नया था, तो ठीक है, दिए गए प्रस्थान बिंदु के आधार पर 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। एक लघु कथा लिखनी है, दो मत लिख देना, यहाँ पे दो दे रखी है। प्रस्थान बिंदु, एक नकट लड़का जंगल में नकट गांव में था, एक बार उसने सोचा कि गांव वालों को डराया जाए, वही है शोर शरारे, वही है यार, वही वाली कहानी है, बार बार घिस घिस के हमारे टाइम पे आई थी। प्रस्थान बिंदु, प्रस्थान करते हैं फिर आवागमन बिंदु पर आएंगे। किसान के तीन बेटे हुए आपस में हमेशा, एक किसान थे, मतलब ये दोनों आपके मतलब वर्कशीट से है ही नहीं, आपको बना के लिखना था। बुलाया और एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ने को दिया, सबने तोड़ा, सब नहीं तोड़ा, और आपने उसको अच्छे से मरोड़ के फेंक दिया होगा। उम्मीद है कहानी आपने जल्दी बना लोगी। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर खत्म, अब आते हैं इवनिंग शिफ्ट के पेपर में। तो आपका ध्यान, तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों यहाँ से स्क्रीन ले सकते हो, स्क्रीन शॉट क ख ग और घ से घड़ी, यहाँ तक तो सबका सेम होगा, अपठित का अध्यांश अलग अलग होगा पूरे संसार में, यहाँ पे पूरे संसार के हिसाब से नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं इनका किस प्रकार से था, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका अपठित अध्यांश क्या पढ़ना। अब यहाँ से आते खंड ग में, खंड ग में आ रहा अनुशासन, दरु, थकावट, ता, प्रत्यय बताना, इसमें उपसर्ग बताना था, ठीक है। प्रश्न त्रिभुज, यथावश, यथा समय, दस और आनंद, जिसके, अरे रावण की बात, दिन और रात, ठीक है। थोड़ा सा हाँ, इसमें थोड़ा सा अभी आपकी बार तो एक भी मैच नहीं हुआ, नहीं देखो यहाँ से खंड ब वाले में से, ये गर्ल्स वाला है, ठीक है, मैच नहीं हो रहा, पहले एक बार इनका देख लेते हैं फिर आप में आते हैं, फिर लास्ट में मैच कराएंगे ना, नहीं तो सब बच्चे कहेंगे यार बीच में इसको भी बढ़ा रहे हैं, उसको भी बढ़ाया। प्रश्न नंबर 6 पे आ देते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, अलंकार की पहचान करो लिखिए, काली घटा का गबन कटा पहचान अलंकार लिखिए, ये आपके वर्कशीट से लिया गया था। अरे वर्कशीट में इतने क्वेश्चन करा दिए गए थे आपके अलंकार के, तो यहीं से आना ही चाहिए था। स्वान रूप संसार है, भूखंदे चकमारी अलंकार की पहचान कीजिए, ये थोड़ा सा नया आ गया है, रूपक अथवा यमक अलंकार की कुछ बढ़ा दीजिए। ओके ओके ओके, खंडगांव में आते हैं, पाठ पुस्तक व पूरक स्थान पर धार पर, वह नेपाल और तिब्बत की रास्ता काफ़ी फलाना ढिंगाना टाइप का था, लेकिन फिर भी वहाँ पर यात्रा की जा रही थी। तो प्रश्न नंबर 7 है, इस प्रकार से पढ़ सकते हैं और इसके तीन आपके उत्तर इस प्रकार से है। तो ये लहासा की ओर राहुल सत्रा के अंदर लिखा, मतलब अपने आप अपना नाम बस इस्तेमाल किया गया, लिखा तो किसी और महान आत्मा ने है, ठीक है।
प्रश्न नंबर 8 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एहसान किया गया है, 5 दिया है, लेकिन आपको लिखने कितना है, 6 लिखना है। छोटी बच्ची की बैलों की प्रति प्रेम की उम्र आया, ये वर्कशीट से लिया गया क्वेश्चन है। 2 बैलों की कथा पाठ के में लेखक ने गधे को सही सुरता क्यों कहा है? ठीक है, लेखक मार्ग में अपने साथियों के किस कारण से बिछड़ गया? भाई सारे आपके उसे वर्कशीट वाले क्वेश्चन है। सालिम अली अली पक्षी प्रेमी कैसे बन गए? अभी बहुत अच्छा था, अभी इसको लात मार चिड़िया को मार के गिराया था ना यार, जब उठाया था तभी से उनका रुझान आ गया था। उस समय की तिब्बत यात्रा कानून न रहने कारण यात्रियों को किस प्रकार भय रहता था? अबे लाट डाकू लुटेरों ने लूटने और किसी बात का खतरा होगा, रास्ते में गिर जाने का खतरा, अबे नहीं। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मानुष हो तो वही रसखानी, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो बसा कहा बसा मेरे चौरों, नित चंद के धेन मझारन, पानन हो तो वही गिरी को जो कीजे हरिछत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बरसो करो मिली कालिंदी कुल कंदन की डारन। तो सीधे अच्छी बात है, आपकी बार दोनों रसखान से लिया गया है तो आप अच्छे से लिख सकते थे इसे, ठीक है। रसखान कवि के मनुष्य के किस रूप में कहना चाहता है, पक्षी के रूप में कवि क्यों चाहते हैं? अबे वो जहाँ भी कृष्ण हो उनके पास रहना चाहते हैं, घुमा फिरा के उसी कदम पेड़ के नीचे उनका घोंसला होना चाहिए। कवि रसखान पानन शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है, पहनने से किया है? निम्नलिखित शब्दों के निचार प्रश्न को उत्तर दीजिए। कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या विशेषता बताई है? कबीर अरे तो कबीर से आया। 4 प्रश्न पढ़ने हैं, 4 के उत्तर देने हैं। एहसान के तौर पर 5 दिए गए हैं। कबीर ने ईश्वर को सब स्वांग की श्वासों में क्यों कहा है? ब्रजभूमि के प्रति रसखान कवि का प्रेम किन किन रूप में अभिव्यक्त हुआ है? कैदी और कोकिला कवि में कोयल की कूक सुनकर कवि में क्यों प्रतिक्रिया थी? देखो सॉरी, क्या क्या प्रतिक्रिया थी? तो घुमा फिरा कहने मतलब ये आपके जो क्वेश्चन है सारी वर्कशीट में से आए हुए हैं, और आप नहीं मानो तो जाके देख सकते हैं। रसखान पशु पक्षी पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? अरे कृष्ण से इतना प्रेम है भैया, प्रेम प्रेम रतन धन पायो भैया प्रेम। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मेरे संघ की औरतें आपकी संघ की औरतें कितनी संघ की औरतें मैच करेंगे लास्ट में? पाठ में लेखिका माँ सबके दिलों पर राज करती है, इसका क्या कारण था? संक्षेप में लिखिए। रेड़ की हड्डी में पाठ में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? संपेच में लिया, भाई वो जब उमा और शंकर की ऐसी तैसी करती है सबसे अच्छा, तब लगता है रेखी लिखा ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा फिर भी उसके व्यक्तित्व को क्यों प्रभावित थी? ये आपका भी वर्कशीट से लिया गया है। प्यारे बच्चों खंड ग में आते हैं। निम्नलिखित दिए गए संकेत आधार पर निम्नलिखित मुस्किनी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में उच्छेद लिखिए। मेरे जीवन का उद्देश्य प्रदूषण की समस्या। ये तो भाई साहब जब से हम पढ़ रहे हैं तब से अब प्रदूषण की समस्या, लेकिन जब से आप लोग पढ़ रहे हैं तब से कोरोना की समस्या आ रहा है। व्यायाम का महत्व समझाते हुए पत्र, मित्र को पत्र, उसमें भाई को पत्र, इसमें मित्र को पत्र, अपने आसपास कूड़े के ढेर की समस्या की शिकायत करते हुए दैनिक संपाद पत्र। अरे भैया ये तो सेम टू सेम आ गया। 2 मित्रों के बीच आगामी परीक्षा को लेकर संवाद। अबे तो परीक्षा में बच्चे, अरे वाह वाह वाह, 2019-20 वाला ये तो सेम टू सेम। 2 छात्रों के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद लिखिए। 2 मित्रों के बीच आगामी परीक्षा, अच्छा जी अच्छा, आगामी लगा दिया आपने, की तैयारी को लेकर संवाद लिखिए। अरे बात कुछ तो सेम टू सेम आया। पेयजल की आपूर्ति की शिकायत करते हुए संविधान संबंधित अधिकारी को संवाद लिखिए। संवाद स्वाद नहीं लिखा बच्चों, संवाद लिखना है। प्रश्न नंबर 15 दिए गए किस एक प्रस्थान बिंदु के आधार पर 100 से 200 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। प्रस्थान बिंदु, एक बूढ़ा शेर वह शिकार नहीं कर सकता, सोचा वरना भूखे उसके पास पास सोच सुना करा। दूसरे में से इसमें से एक लिखना। एक कौवे को कहीं से एक रोटी मिली और रास्ते में लेकर उड़ गया। सियार ने कौवे को चोंच में रोटी, उसने सोचा वे वही है किसी वही कहानी जब से हम बच्चे थे तब से सुनते हुए आ रहे हैं, बड़े हो गए तब भी यही कहानी सुन रहे हैं। तो चलिए मैच करते हैं कौन सा क्वेश्चन किस, सिंपल था तो अपनी तरह से स्टार्ट नहीं करेंगे, इससे कंपेयर करते हैं। तो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। तो हाँ देखो यहाँ पे चौराहा, ये सब मोस्टली जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है उसमें से आपका मोस्टली वर्कशीट में से आया है, लेकिन ये जो है आपका मुझे नहीं लगा रहा है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन थे इसमें आए हुए हैं। और लास्ट में मुझे आपका वो देखना था, ठीक है। हाँ काव्य प्रश्न नंबर 9 दिखाइए। प्रश्न नंबर 9 देखो, इनका दोनों रसखान में से था। रसखान मोर पका सिर पहरियो, ठीक है, मानुष हो तो वही रसखानी, दोनों आपका प्रश्न 9 कहाँ से आया है? रसखान साहब जी से।
कबीर और सच्चा प्रेमी है, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 अगर कंपेयर करेंगे, प्रश्न नंबर 10 के कंपेयर करें तो ठीक है, कबीर ने सच्चा संत किसे कहा है, कबीर के से दो क्वेश्चन आ गए हैं, उम्मीद है आपने सारे कर लिए होंगे। ठीक है, कैदी और कोकिला में से है, तो मुझे तब की बार दोनों का पेपर सही से लगा, उतना मुश्किल नहीं लगा। ठीक है, रीढ़ की हड्डी में से प्रश्न नंबर 11 की बात करूँ तो मेरे संघ की ओर थे रीढ़ की हड्डी और लेखिका। ठीक है, वो वाली है मेरे संघ की ओर थी, दोनों में सेम था। ठीक है, और ये भी रीढ़ की हड्डी, ये भी रीढ़ की हड्डी में से। ठीक है, तो उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, दोनों उतना मुश्किल नहीं था। खंड ग में घ से घड़ी वाले में देखेंगे तो ठीक है, 12वां देखेंगे और इसमें 12वां देखेंगे तो ठीक है, मुश्किल नहीं था। उम्मीद है दोनों का पेपर मस्त रहा होगा और आपने पेपर मस्त दिया होगा। ठीक है, ये दोनों शिफ्ट के पेपर हो गए और ये आ गया पिछले शिफ्ट का पेपर, और सॉरी पिछले साल के मिड टर्म का पेपर 2019-20, 2021 और ये 2021। समस्या ये है कि अब नेक्स्ट टाइम जो मुझे SST का पेपर मिड टर्म का नहीं मिला 2021 का, अब जो अगले साल जो बच्चे होंगे उसको कैसे दिखाऊंगे पिछले साल पेपर कैसा है, तो कोरोना काल में पेपर नहीं आया तो दिखाएंगे क्या। अच्छा तो ठीक है, माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर थोड़ा बहुत भी इससे वीडियो को लाभ मिला हो तो लाइक तो बनता ही है, और ये बताना मत भूलिएगा कि किसका पेपर इजी था, मॉर्निंग शिफ्ट वालों बच्चों का या तो इवनिंग शिफ्ट वालों बच्चों का, दोनों में से एक बताइए। और हाँ, तो पिछले, और ये भी बताइए कि पिछले साल के प्रश्न पत्र से हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, कमेंट करिए, अपने कमेंट में लिखिए अच्छा खासा। और वर्कशीट से क्वेश्चन आ रहे, मज़े ही नहीं आ रहे, देखो घुमा फिरा के, जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल वो वही रहेगा बच्चों को, नहीं जो जिसे नहीं पसंद आ रहा है तो कृपया छोड़ के जा सकता है। ठीक है, और जिसे पसंद आ रहा है वो देखते रहिए। बाय CBSE क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।